आज मैं लेके आई हूँ इंदौर के एलआईजी की फेमस मसालेदार स्पाइसी वाली मैगी की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी लगती है। इंदौर के लोग तो सुबह 4 बजे उठ के ये मैगी खाने जाते हैं, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये मैगी कैसी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ हम 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज इसमें ज़्यादा ही डालते हैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का प्याज लिया है मैंने। और इसमें ऐड की है 1 हरी मिर्च कटी हुई। इसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च। इन सबको मिक्स करके हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शेजवान चटनी और 2 चम्मच सोया सॉस। ये भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और फिर 1 ग्लास पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैगी, और मैगी के साथ जो टेस्ट मेकर आता है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स करके टर्न करके हम कवर करके रख देंगे 2 मिनट तक। ये देखिए 2 मिनट के बाद इसमें कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, 1 हैंडफुल हरा धनिया। इसमें हरा धनिया का टेस्ट भी आ जाता है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए मैगी अच्छे से मिक्स हो रही है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। फिर से कवर करके रखेंगे 2 मिनट तक, और फिर 2 मिनट के बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। ये देखिए ये बन चुकी है। ये देखिए आप कितनी बढ़िया दिख रही है, कलर देखिए इसका, और टेस्ट तो आप पूछिए मत, बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आप टेस्ट करेंगे तभी आपको समझ आएगा मैं इसकी तारीफ़ इतनी ज़्यादा क्यों कर रही हूँ और सुबह 4 बजे लोग उठ के क्यों जाते हैं इसको खाने के लिए। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। ये सिर्फ देखिए मत, आप बनाइए भी इसे, एक बार ही ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।